ध्यान से भैया। अरे ख्याल से रखना सामान को, ख्याल से। हाँ, नीचे रख दे। आराम से। इसको भी उसके साथ। आराम से। हाँ रख दो। हाँ बस यहाँ रख दे। बैग वहाँ रख दे। ले बेटा। जी ये बैग। अच्छा अच्छा यही है। अच्छा बीबी जी, सामान सारा सेट कर दिया, अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? एक रखिए। इसकी क्या जरूरत है? ये रख लीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ यार, शुक्र है ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। आज घर की शिफ्टिंग हो गई और ऑफिस आने जाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। हाँ ऑफिस बिल्कुल सामने ही तो है, बस रोड क्रॉस करो, सामने ऑफिस है। हाँ तो ऑफ कोर्स मैं पैदल ही जाऊंगी। अच्छा बाबा, रिक्शा पकड़ लूंगी। अच्छा डोरबेल बज रही है, मैं जाती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके। कौन? कौन? आंटी। अरे कौन हो आप, यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ मेरे पास। आंटी मैं वहाँ खेल रही थी, मुझे प्यास लगी तो मैं यहाँ आ गई। अरे यू सो क्यूट, आओ अंदर आओ। कहाँ रहती हो आप? यहाँ। यहाँ ऊपर। अच्छा तो आपका मतलब है आप ऊपर वाले घर में रहते हो। आंटी पानी। हाँ आप, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। आ जाओ बैठो बेटा। तो क्या नाम है आपका? किरण। बहुत प्यारा नाम है। घर में कौन कौन सब रहते हैं? आंटी आप अकेली रहती हैं? हाँ मैं अकेली रहती हूँ। आपके हस्बैंड नहीं है? मेरे हस्बैंड हैं लेकिन वो यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? वो लाहौर गए हैं ट्रेनिंग के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। अच्छा आप ये बताओ आपके कितने बहन भाई हैं? दो भाई हैं, एक इतना एक इतना। इतना? नहीं 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 इतना। कितनी प्यारी बातें करती हो तुम। आंटी पानी। सॉरी मैं भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। पानी। आंटी और अच्छा लेके आती। बेटा किरण, किरण बेटा।
हेलो यार, पागल हो गई हूँ मैं। मासी से ज्यादा बुरी लग रही हूँ। हंस क्यों रहे हैं आप? मासी इतनी पसंद है तो मासी से क्यों नहीं शादी की? हाँ यार, बोला है एक दो दिन में आ जाएगी मासी। यार हाँ, अम्मी से बात हुई थी, बहुत परेशान हो रही थी। हाँ मैंने उनको बताया है कि सिर्फ 6 महीने की बात है, लेकिन वो जिद कर रही थी कि ऑफिस से छुट्टियां लेके मैं इस्लामाबाद चली जाऊँ। उनको कौन बताए कि इतनी अच्छी जॉब बार बार नहीं मिलती। अरे आपको पता है ना, मैं जॉब पैसे के लिए नहीं करती, मुझे घर बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिल करता है हर वक्त कुछ ना कुछ करती। अच्छा सुने, आप मुझे मिस कर रहे हैं? कितनी प्यारी है। तो रहने ही दें, एक छोटी सी बच्ची है, ऊपर के फ्लोर पे रहती है। अरे अरे बस बस, मिस्टर रोमांटिक क्या हो गया? मैं क्यों आंखें बंद करूं? अच्छा बाबा, कर ली बंद आंखें। पागल, बाय।
सिग्नल्स ने भी अभी खत्म होना था। क्या प्रॉब्लम है? आंटी। अरे किरण, आप इस वक्त? आंटी मैं वहाँ खेल रही थी, मुझे प्यास लगी तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया, मुझे भी डर लग रहा था। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, बड़ी बहादुर है हमारी किरण। आंटी आप अकेली रहती हैं? हाँ मैं अकेली रहती हूँ। आपके हस्बैंड नहीं है? किरण मैंने बताया था ना, मेरे हस्बैंड लाहौर में जॉब कर रहे हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं। जब वो वापस आएंगे तो फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। आंटी पानी। सॉरी बाबा, तुम बातें इतनी स्वीट करती हो, मैं भूल ही गई थी, अभी लेकर आती हूँ। ये लो पानी पियो। आंटी और लेकर आती। किरण बेटा, किरण, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइए मुझे दीजिए, मैं आपकी हेल्प। अरे नहीं नहीं मैं ले जाऊंगी। अरे ये तो मेरा रोज का है। कोई बात नहीं। अच्छा वही है ना जो नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हुई है? हाँ मुझे कुछ ही दिन हुए यहाँ पे शिफ्ट हुए। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे भी घर का सामान लेना है, यहाँ कोई दुकानें हैं जहाँ से घर का सामान मिल जाए? मुझे यहाँ पे रहते हुए 10 साल हो गए हैं और मैं यहाँ सारे दुकानदारों को जानती हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको हर दुकान पे खुद लेकर जाऊँगी। मुझे पता है कौन सा दुकानदार 1 नंबर माल बेचता है, कौन सा 2 नंबर। अरे लाइए ये सामान मुझे दे दीजिए। अरे मैं आपको घर तक सामान छुड़वा के आती हूँ। अरे नहीं 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 इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ले जाऊँगी, छोड़ दें। तकल्लुफ की क्या बात है, हम सारे तो घर जाए होते हैं। चले आए, आइए आइए आ जाए। वैसे आप अकेली रहती हैं, कितने बच्चे हैं आपके? जी एक्चुअली मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और 6 माह की ट्रेनिंग के लिए लाहौर गए हैं। अच्छा आए आए बैठे। वैसे अकेली औरत का रहना बड़ा मुश्किल है, मेरे हस्बैंड भी हैदराबाद में जॉब करते हैं लेकिन शुगर है कि हफ्ते में एक बार ज़रूर चक्कर लगा लेते हैं, फिर भी बच्चों के साथ अकेले रहना बड़ा मुश्किल लगता है। ये आपके बच्चों की तस्वीरें हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, और आपकी बेटी तो बहुत ही क्यूट है। Thank you.
हाँ बहुत प्यारी बेटी थी मेरी थी क्या मतलब थी बहुत अच्छी बच्ची थी मेरी एक दिन सामने गली में खेलने गई और एक तेज रफ्तार बाइक वाले ने इन बच्ची को टक्कर मार दी शदीद जख्मी हो गई थी और फिर क्या मेरी बच्ची हमें हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई मैं चलती हूँ वो मुझे एक काम याद आ गया फिर आऊंगी मैं क्या हुआ आप ठीक तो है ना हाँ सब ठीक है मैं